हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रवि हेल्थ गुरु। दोस्तों, आज के वीडियो में चावल खाने के नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, चावल का सेवन करना हर कोई पसंद करता है क्योंकि काफी लोग इसके शौकीन होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल का सेवन करने से हमारे शरीर को फायदे नहीं बल्कि नुकसान होते हैं? दरअसल चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी अधिक होती है जिससे यह आसानी से पच तो जाते हैं, लेकिन इसका सेवन रोजाना करना काफी खतरनाक होता है। आइए आज हम आपको चावल के कुछ ऐसे ही नुकसानों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, डायबिटीज के रोगियों के लिए चावल नुकसानदायक साबित हो सकता है, अतः ऐसे लोगों को चावल का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अस्थमा के रोगियों को भी चावल से परहेज करना चाहिए क्योंकि चावल की प्रकृति ठंडी होती है जो सांस की तकलीफ दे सकती है। दोस्तों, चावल का ज्यादा सेवन करना मधुमेह से पीड़ितों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चावल में ग्लूकोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इससे शुगर का स्तर हाई हो जाता है। इसलिए मधुमेह के रोगियों को चावल का सेवन ना करने की सलाह दी जाती है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।